हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, प्रोफेशनल लेने वाले क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, बेईमान दुकानदार। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कोई बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी बाट के जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। जैसे कि देना था उसको 1 किलो, लेकिन देता है 960 ग्राम, मतलब 40 ग्राम का क्या करता है, कटौती करता है ना, तो उसको तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमको ये नहीं पूछा कि कितना ग्राम में होगा, हमसे पूछा कि प्रतिशत में बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है। तो कम ही अब बटा में प्रयोग में लाया गया बाट, बाट मतलब बटखड़ा से समझिए, प्रयोग में लाया गया बाट, लाया गया बाट, चलिए ठीक है। बाट मतलब बटखड़ा, मतलब जिससे वजन किया जाता है। और जब प्रतिशत में लाना होता है तो क्या कर देते हैं, हम 100% से गुना कर देते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे क्या कि लाभ प्रतिशत बराबर कमी या बटा में प्रयोग में लाया गया बाट गुना 100%। ठीक है, कमी कितना के कर रहा है, देखिए कमी आपको 1 किलो के जगह 960 ग्राम दे रहा है ना, तो 40 ग्राम का आपसे कटौती कर लेता है। आप प्रयोग में कौन बटखड़ा का यूज किया जाता है, तो 960 ग्राम वाला, तो 960 ग्राम नीचे लिख देंगे और 100% से गुना हो जाएगा। ग्राम से ग्राम खत्म, 1 को 0 से 1 को 0 खत्म हो जाएगा। ये और कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं 2 से 2 बार में, या इसको काट सकते हैं 2 से 4 गुना 8, 8 गुना 16, 2 से इसको काट देंगे 24 बार में, और भी कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा 6 बार में, आई 4 से कट जाएगा 25 बार में। सीधा कह देंगे कि 25/6%, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, 6 चक 24 पूर्णांक 1/6%। तो इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/4 पूर्णांक 1/6%। ये याद रखना पड़ेगा आपको, लाभ प्रतिशत निकालना होता है बेईमान दुकानदार में, तो कमी बटा प्रयोग में लाया गया बाट गुना 100% कर देते हैं। एक और क्वेश्चन से इसको हम क्लियर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितना में खरीद के लाता है उतना ही में बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी बाट के जगह 900 ग्राम बटखड़े का प्रयोग करता है, तो बता दो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का यहाँ देखिए, कमी प्रतिशत, यहाँ लाभ प्रतिशत हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कमी, 1 किलो के जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब 100 ग्राम का कटौती कर रहा है। अब प्रयोग कितना का करता है, तो 900 ग्राम वाला बटखड़ा का प्रयोग कर लेता है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो जाएगा, कह देंगे कि 100/9%, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 11/99 आ 1/9%, ये हो जाएगा शुद्ध आंसर इसका, 11/1/9%। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस को हम देख लिए। एक और तीसरा क्वेश्चन से इसको और क्लियर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन के लिए इसको तो हमको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। पहले कहा कि 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, भाई दुकानदार है तो सामान खरीद के लाएगा तो लाभ कमाएगा कि नहीं कमाएगा, लाभ नहीं कमाएगा तो उसका भट्टा बढ़ जाएगा, तो ठीक है 10% लाभ वो कमा लेता है, परंतु साथ ही 1 केजी बाट के जगह 800 ग्राम बटखड़ा का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर चोरी, पहले तो कहा कि 10% प्रॉफिट ले लेंगे, एकदम शुद्ध वजन नाप के देंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि 1 किलो के जगह 800 ग्राम बटखड़ा का प्रयोग करता है, तो बताना है कि उसका कुल लाभ क्या होगा। पहले बोला कि 10% लाभ उसको चाहिए, तो चलिए ये 10% लाभ पहले वो ले लेगा, उसके बाद बटखड़ा के रूप में कितना लाभ वो कमा रहा है वो देख लीजिए। बटखड़ा के रूप में लाभ प्रतिशत कैसे हो जाएगा, तो 800 ग्राम बटखड़ा का प्रयोग करता है 1 केजी के जगह, तो 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो चोरी कितना करता है, 200 ग्राम का चोरी करता है, कितना में, तो 800 ग्राम में 200 ग्राम का चोरी कर लेता है। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, ग्राम से ग्राम खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 1 कैया 4 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 25, यानी कि बटखड़ा के रूप में वो 25% का लाभ कमा लेता है, और पहले से वो 10% का लाभ कमा लेता है। टोटल कितना, तो कहेंगे कि टोटल वो लाभ कितना, टोटल प्रॉफिट कितना कमा लेता है, 10% लाभ का सीधा मतलब होता है 110%, ये तो खूब जानते हैं आप। 25% लाभ का क्या मतलब होता है, 125%,
इसको क्या करते हैं 25% न लिख के नीचे में हम 100 लगा देते हैं प्रतिशत के बदले, 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा। काटने से कोई फायदा नहीं है, देखिए नीचे में 5 बच जाएगा, डायरेक्टली इसको गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट इसको गुणा कर दीजिए, काटने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीचे में फिर दशमलव में चेंज करना ही है। तो 11 5 55 का 5 हो जाएगा और 11 2 22 और 5 27 का 7 हो जाएगा, 11 1 11 2 कितना 13 हो जाएगा, आप बटा का 10 हो जाएगा, मतलब 137.5% कितना हो जाएगा, 137.5% यानी सीधा अगर हम देखें तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 37.5% ज्यादा है, तो वो जो है शुद्ध लाभ कमाएगा 37.5% का, कितना का 37.5% का। तो इस तरह का अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए अगर क्वेश्चंस बनाना है एग्जाम में। तो चलिए इस तरह से हम आज एक टाइप बेईमान दुकानदार वाला टाइप को खत्म कर लिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाला क्वेश्चंस आपका फंसेगा नहीं, तो अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।